अस्सलामुअलैकुम, आप सबका वेलकम है। ये व्लॉग है ना, फार्म हाउस का पार्ट 3 है। जो लोग नहीं देखे ना, वो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, 11 बज रहे और घर को जा रहे हम लोग। जमीन हाय गाइस, हम लोग घर जा रहे। बसरे बाबा, ग्लास चढ़ा दो भाजी, हवा ठंडी आ रही है।
तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं और अभी है ना 12 बज गए फ्रेंड्स, क्योंकि ना रास्ता बहुत लंबा था, मोइनाबाद बहुत ज़्यादा दूर है, आई थिंक 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा था शायद। और जो ये फॉर्च्यूनर है ना, ये अंदर जा गई है पार्किंग के लिए, क्योंकि मेरे जेठ की ही गाड़ी है वो, और ये जो कार थी और एक कार हम लोग है ना यहाँ पर मुश्तबा ये कार ला लिए थे। और घर पहुँचे बाद है ना हल्की सी भूख लगी थी हस्बैंड को, तो उनके लिए ना ऑमलेट का सैंडविच बना दी हूँ और मेरे लिए ना वेजिटेबल सलाद बना ली हूँ। तो ना आते ही बच्चे सो गए थे मुजम्मिल मुजफ़्फ़र, क्योंकि ना सुबह से शाम तक उन लोग पूल में थे। तो फ्रेंड्स यहाँ है ना नेक्स्ट डे फार्म हाउस से आए बाद है ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लेट उठे थे, और बच्चों को स्कूल को हॉलीडे भी थी फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, इसीलिए है ना ये टमाटर की चटनी बना रही हूँ। यहाँ पर टमाटरों को ग्राइंड कर लिए, वॉश करके कट कर लिए, 9 टमाटो थे मीडियम साइज़ के, और है ना ये भगोने में ऑयल डाल रही हूँ 5 स्पून ये चम्मच से, और इसमें अब हम जो ग्राइंड करके रखे थे ना टमाटोज, 9 टमाटोज, उसको मैं 1 स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, और ये एक टर्मरिक पाउडर ये थोड़ा सा ऐड किया है 1/2 स्पून, और 1 स्पून सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये लाल मिर्च 1 स्पून भर के ऐड किया है, और यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, इसमें ज़ीरा डाल दी है, और ये राया, ज़ीरा राय और करियापक सूखे मिर्ची का बघार डाल दी है। और जैसे ये पूरा क्रैकल हो गया है, इसको है ना चूल्हा ऑफ कर दी हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ ताकि मिर्ची नहीं जलना, डायरेक्ट मिर्ची गिरेंगी फर्स्ट, इसीलिए पूरा टमाटो में मिक्स कर लेते हैं, ये ऐड कर लेना है। और इतना इजी है ये टमाटो की चटनी, और टेस्टी भी बनती, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा बनाना तो है ना गरम खाने में घी डाल के टमाटर की चटनी से उसके साथ कुछ भी आप फ्राई कर लेके खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और ये धनिया पाउडर है भुनेवा 1 स्पून भर के ऐड किया है, और ज़ीरा पाउडर भी भुनेवा है, इसको भी 1 स्पून ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता, टेस्टी बनती टमाटर की चटनी, इतनी ईजी है। और ये कोथमीर करियापक हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, वॉश करके ऐड कर रही हूँ, और इसको भी अच्छा इतना भूनेंगे जितना आपके पास जितना टाइम है उतना टमाटर की चटनी भुने तो इतनी टेस्टी बनती, और आप करने कम टाइम भी है तो हाई फ्लेम पे रख के आप अच्छा जल्दी जल्दी बना ले सकते हैं। टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती फ्रेंड, ज़रूर ट्राई करिए आप लोग इस मेथड से। सिर्फ टमाटर लेना है, वॉश करना है, कट करना है, ग्राइंडर करना है, उसमें बेसिक मसाले ऐड करना है, और बघार में टमाटर की चटनी ऐड कर लेना है, ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर ऐड करना है, और हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम पे रख के मिक्स करते रहना है, भुनना है भुनना है, और ये रेडी रहती फ्रेंड्स मेरे पास से, तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और यहाँ पर है ना गर्म पानी में दालचीनी और ग्रीन टी का बैग डालकर मैंने ये पी ली हूँ, और ये मुदस्सिर के लिए खाना और थोड़ा सा टमाटर की चटनी घी डालकर खिला देती हूँ उनको, और बच्चों को भी दे दी, बच्चे है ना लेट उठे, और मुजम्मिल आप लोगों को यहाँ पर हाई बोल रहे और बहुत ज़्यादा टेस्टी है बोल रहे, बच्चों को भी टमाटर की चटनी पसंद आ गई। और हमारे मुजफ्फर को है ना साथ में कुछ भी होना, ऐसी खाली नहीं खाते ना। और ये मैं यहाँ पर है ना मुदस्सिर को खिला रही थी, बच्चों को है ना खाना गरम गरम में थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा जो भी सालन है वो थोड़ा सा ऐड करके खिलाए तो उन लोग को आदत हो जाती। और यहीं पर है ना व्लॉग का एंड करेंगे। आई होप यू पीपल आर इन्जॉय दिस व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे, और मैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।